हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बीपीएस गाइड। और वेलकम है आप सभी का एक अलग यूनिक तरह के चैप्टर पे। तो आज मैं कुछ नया लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बेस्ट पे किसी भी स्क्वायर को निकालने का। वो स्क्वायर आपका 1 से 1000 तक कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मैं भी बताऊंगा, एज वेल एज उसके ट्रिक्स के ऊपर भी बात करूंगा। और मैं रिकमेंड करूंगा कि ये सारा जो वीडियो में कंटेंट रहेगा, ये आपके जितने भी एग्जामिनेशन है उन सभी में ये चीज़ें तो होती हैं कि आपको कहीं ना कहीं स्क्वायर निकालना होता है सिंप्लीफिकेशन में, या कुछ भी कंडीशन होती है या कोई सा क्वेश्चन फंसता है तो उसमें बीच में कहीं स्क्वायर निकालने आ जाता है। तो आपको हेडेक अगर होती है, अगर अगर परेशानी होती है उसको सॉल्व करने में, तो आप इसका बिल्कुल यूज़ करें, इस वीडियो का इस कॉन्सेप्ट को देखिए। और अगर आपको इससे फ़ायदा मिलता है तो आप ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर अपने फ्रेंड्स के संग करना ना भूलना, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ उसमें जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे अपडेट आपको नोटिफिकेशन जो है वो रेगुलर मिलता रहेगा, क्लियर है। और अगर आप अभी तक लाइव सेशन वगैरह नहीं देख रहे हैं तो एक मैराथन चल रही है, संदीप सर उसको मैराथन चला रहे हैं, तो उसको आप ज़रूर देखिए फॉर द SBI PO। सो आप उसमें ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए और आप कॉन्फिडेंस फील भी करोगे, ठीक है। एंड मोर अपडेट एंड वीडियोज़ एंड क्विजेज और डेली टेस्ट वगैरह के लिए आप IBPSGuide.com पे जा सकते हैं। अभी हमारे एक ऑफर चल रहा है 525 में, ईयरली प्लेटिनम पैकेज वाला, आप उसको परचेस करके वेरियस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन है उधर पे, 1000 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ आपको उधर पे कंडीशन क्या मिलेगी कि ई बुक्स भी आपको मिल जाएंगे उधर पे, जो कि आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर होंगे, ओके। सो देखते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। उस चीज़ को बहुत ध्यान से सीखिएगा और उसको यूज़ जरूर कीजिएगा, ओके। रैंडमली कोई भी नंबर उठाइएगा और उसको यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगी, कॉन्सेप्ट क्या होता है। कोई भी आपकी डिजिट्स होती है, लाइक 2 डिजिट्स हो या आपकी 3 डिजिट्स हो, ओके, 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स, तो किसी भी नंबर का आपको अगर जैसे स्क्वायर निकालना है तो उसके पीछे कंडीशन क्या लगती है। मैं आपको देखो वेरियस टाइप ऑफ मेथड बताऊंगा, वेरियस टाइप ऑफ वे बताऊंगा, जस्ट आपको जो अडॉप्ट करना है वो करिएगा। और मैं कंडीशन भी बताऊंगा साथ ही साथ कि कब किसको लगाना है और कब किसको नहीं लगाना है, ठीक है। तो उसकी लिमिटेशन के साथ साथ आपको सारी चीज़ें सीखना होंगी, जिससे आपको क्या है कि एग्जाम में कभी भी कोई भी नंबर आता है तो आप इजीली उसको टैग कर लो, ठीक है। एज वेल एज आपकी मल्टीप्लिकेशन करने की जो एबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी होना चाहिए, तब आप इस ट्रिक्स को कर पाओगे। बिकॉज अगर आपका मल्टीप्लिकेशन सही नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। और रही बात इसकी कि आपका अगर मल्टीप्लिकेशन सही नहीं है, सर इसके अलावा कोई ट्रिक बताओ जिसमें मल्टीप्लाई करना ही ना पड़े, तो देखिए अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो बिना मल्टीप्लाई के तो मैथमेटिक्स संभव नहीं है ना, तो आपको वो करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। वर्बल करना सीखिए कि वर्बली कोई भी चीज़ मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। तो इस पूरे सेशन में हम इसी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 डिजिट्स के लिए। तो 2 डिजिट्स के लिए अगर मैं बात करूँ, तो जैसे मैं कोई रैंडम नंबर ले रहा हूँ, जैसे मैंने रैंडमली नंबर लिया 87, आपको 87 का स्क्वायर चाहिए, तो देखो इसके 2 मेथड बताऊंगा मैं, पहला मेथड ये एंड दूसरा मेथड ये, ओके, दिस इज फर्स्ट मेथड एंड दिस इज सेकंड। अब इसमें देखना कंडीशन क्या होगी। देखो सबसे बेस्ट जो 2 डिजिट के लिए होता है वो मेथड है फर्स्ट वाला। ये हमेशा 2 डिजिट, चाहे जैसी 2 डिजिट आ जाए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वाले वे से करिएगा जो मैं भी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप देखना क्या है, जैसी 2 डिजिट है ना, देर पे 3 बॉक्स बनाऊंगा मैं, पहला रूम ये, दूसरा रूम ये, तीसरा रूम ये, ओके। पहले रूम में क्या करना है, 86 है ना मेरे पास, 87 है ना, 87, तो 8 को उठाने का है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इधर रखेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 8 7 का कितना होता है 56 का डबल कितना होता है 112। तो ये आपकी वर्बली होना चाहिए, ये चीज़ जिससे मैं आपको बोल रहा था कि आपका वर्बली जो पोर्शन होना चाहिए वो कौन सा पोर्शन होना चाहिए, वो पोर्शन होना चाहिए ये जो मैंने अभी आपके सामने करके दिखाया, ओके। कोई भी नंबर अगर मैं बोलूँ, जैसे लाइक इधर पर मल्टीप्लाई करने पर 42 आता, तो 42 का डबल आपको बहुत जल्दी से पता होना चाहिए कि 94 होता है, चाहे कोई भी नंबर हो इधर पे आपका उसका डबल पता होना चाहिए, ठीक है। तो 8 7 56 का डबल 112 हो गया, उसको लिख देंगे इधर पे, ओके। फिर लास्टली हमको क्या लिखना है, 7 का स्क्वायर होता है 49, ओके। अब देखो कंडीशन क्या निकल के आएगी, जो लास्ट में है ना उसको तो लास्ट में ही पुट करना है, जो इस लाइन से चिपके हुए हैं, जो दीवार से बिल्कुल सट के लगे हुए हैं, उन दोनों को प्लस कर देने का है, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और इधर पे देखो क्या है, अब ये वाले का काम हो चुका है ना इसके साथ, अब ये वाली डिजिट बची पूरी 11। अब आप बोलोगे कि 11 जो दीवार से चिपके उनको प्लस करेंगे क्या, हाँ बिल्कुल, तो 11 पूरा इससे चिपका हुआ है ना, तो 11 को जब मैं इसमें दे दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली 75 हो जाएगा। क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, कंडीशन क्या हो रही है इसमें, ओके। देखिए इसी फर्स्ट मेथड से मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, देन मैं सेकंड पे मूव ऑन करूंगा। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं लेके देखूं इधर पे, जैसे लाइक मैंने मान लिया 87 का स्क्वायर, ओके, 67 स्क्वायर मैंने रैंडमली नंबर ले लिया, तो आपको क्या करना है, जस्ट इसका स्क्वायर करेंगे 36। अब जरूरी थोड़ी ना है कि रूम पहले बनाओ या बाद में बनाओ, जस्ट आपकी अप्रोच सटीक होना चाहिए, आप उसको कैसे भी करिए, ओके। 6 का स्क्वायर 36, फिर बीच वाले रूम में क्या आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, 6 7 42 42 का डबल 94। देखिए इसलिए मैंने ये नंबर लिया, जस्ट इसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था, क्लियर है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49।
अब जस्ट देखो इसको तो सिंगल ऐसे ही उतारना है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आएगा, इस 9 को इधर दे देंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो ये आपका इसका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। लाइक इसी फर्स्ट मेथड पे एक और मैं आपको उठा के दिखाता हूँ, जैसे 57 स्क्वायर, ओके 57 नहीं 56 ले लो, बिकॉज 7 वाले बहुत हो गए, 53 स्क्वायर ले लेते हैं हम, ओके। तो 53 स्क्वायर में क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 15 और 15 का डबल 30, तो ये 30 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर होता है 9, बट हमको लिखना है 09, क्योंकि पीछे आपको डबल डिजिट में संख्या लिखना है जो भी, ओके। अगर जैसे 3 आता है या 4 आता है, 4 था तो 16 दे देता, बट 3 2 क्या देता है हमको, 0 और 4, या 1 क्या देता है 0 एंड 1, ओके। सो 9 को 9 लिखेंगे, ये दोनों चिपके हुए हैं तो 0 हो जाएगा, ये 3 इसको देंगे तो 28 हो जाएगा। तो इसका पर्टिकुलर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2809। तो आपको क्लियरली चीजें समझ में आ रही होंगी कि करना कैसे। अब देखिए 87 के रिगार्डिंग मैंने आपको बात बताया था कि इसको मैं सेकंड मेथड से बताता हूँ। तो 87 को मैं आसपास कौन सा अच्छा नंबर बना सकता हूँ, मैं दो नंबर सही सही बना सकता हूँ इसके आसपास, एक तो 90 या तो फिर 100। अगर मैं इसको 100 बनाता हूँ तो 87 को मुझे कितना देना पड़ेगा, प्लस का 13 देना पड़ेगा, तो मैं माइनस का 13 इससे हटा भी लूंगा। बट क्यों मैं माइनस का 13 कर रहा हूँ इधर से हटाने के लिए, इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना। अगर मैं 13 से 13 हटा भी दूं तो मेरा क्या बचेगा, 87 ही बचेगा, ओके। तो 87 में अगर मैं 30 प्लस करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 13 अगर जैसे मैं प्लस करूंगा इसके पास, तो ये आ जाएगा 100, और मल्टीप्लाई करा देंगे 87 में से 13 लेस कर देंगे, तो इधर पे बचेगा कितना आपके पास, 74, ओके। और इसमें प्लस क्या कर देंगे, इसका एग्जैक्टली स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7400 आएगा, और प्लस 169 अगर ऐड कर देंगे तो 569, यानी 7569, क्लियर। तो ये वाली चीजें आपको देखना पड़ेंगी, ये देखिए और ये देखिए। अगर मैं इसको 90 के आसपास बनाता तो 87 में मैं प्लस 3 करता और 87 में माइनस 3 करता, तो ये कितना बन जाता, 90 एक बार प्लस कर दूंगा इनको तो 90 इंटू में क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा तो 84, और प्लस क्या करना है मुझे, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 09 लो या 9 लो कोई मैटर नहीं करता इसमें, तो बिकॉज 9 तो 9 ही रहेगा इधर पे, ओके। इसका जस्ट मल्टीप्लाई करना है, देखो इस 0 को तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 9 का 84 में मल्टीप्लाई करेंगे, वर्बली करेंगे ना, 98 जा कितना होता है, 720 होता है, और 94 जा 36 होता है, तो ये कितना हो गया आपका 756, और ये 9 इसमें प्लस भी तो करना है, तो 756 एंड 9, तो देखिए आप ये भी आंसर आ गया ना आपका। तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप थोड़ी सी अप्रोच अगर अच्छी बना के चलते हैं, ओके। अब देखो 87 पे और टारगेट रखे, देखो वेरियस टाइप ऑफ वे मैंने बोला था ना, तो फर्स्ट वे ये हो गया, सेकंड वे ये हो गया आपका, और थर्ड वे ये निकल के आ गया जब मैंने इसको 90 बनाया। इसको मैं 85 भी बना सकता हूँ ना, 85 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर पे जस्ट मैं इधर पे क्या करूंगा, माइनस 2 करूंगा, और इधर पे मुझे प्लस 2 करना पड़ेगा, इक्वेशन बैलेंस्ड करना होती है, ओके। तो माइनस 2 करूंगा तो 85 हो जाएगा, और प्लस 2 करूंगा तो 89 हो जाएगा, और प्लस का क्या करना पड़ेगा मुझे, इधर पे 04 करना पड़ेगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर इधर पे प्लस तो करना ही पड़ेगा, जो भी इधर पे मैं ऊपर नीचे प्लस माइनस कर रहा हूँ उसका मुझे स्क्वायर करना होगा, ये कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर है। अब देखो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा कंपेरिजन टू दिस एंड दिस, बिकॉज इधर पे आपके 0 थे और सिंगल डिजिट थी, तो मैंने उसको कर लिया, इधर 0 थे इधर पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही मेरी। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको कौन सा अडॉप्ट करना है, आपको डबल डिजिट में जब भी 2 डिजिट्स आती है ना, तो आपको सिर्फ यही वाला मेथड करना है, फर्स्ट वाला। थर्ड डिजिट आएंगी उससे कोई बड़ी कंडीशन आएगी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो सेकंड मेथड है उसको यूज करें, वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उससे पहले क्या करते हैं, थोड़े एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास कोई नंबर होता 43 स्क्वायर, ओके 43 स्क्वायर कैसे करेंगे, देखिए मैंने बताया ना कि फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को देख के करना है, और फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को देख के करना है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 3 हो जाएगा 12, का डबल कितना हो जाएगा 24। आप देखो डबल करके मत लिख देना उसका, मतलब उसका मल्टीप्लाई करके ही नहीं लिख देना कि 12 नहीं लिख देना इधर पे, उसका डबल भी करना होता है, ओके। तो वो दिमाग में आपको बनाए रखना। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, एग्जैक्टली 09, क्लियर हो गया। तो 9 को तो हम ऐसे ही निकाल देंगे, और ये जो है इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 16 में से जब मैं इसे 2 दे दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्लियर है। तो एग्जैक्टली आपका आंसर आ जाएगा ये। लेकिन अगर आप बोलो कि इसको सेकंड मेथड से करके दिखाइए, तो सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, 43 है ना, प्लस 7 कर देंगे, क्योंकि हमको क्या करना होता है कि एक एग्जैक्टली अच्छे नंबर के पास लानी होती है चीजें, और 50 से अच्छा, 100 से अच्छा, 1000 से अच्छा कोई नंबर नहीं होता, ओके। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस 7 कर देंगे इसमें से, तो इसको एक बार प्लस कर देंगे तो 50 हो जाएगा, और इसमें से अगर 7 लेस करता हूँ तो पहले 3 लेस करेंगे तो 40, और 5 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, सॉरी 3 लेस करेंगे तो 40, एंड 4 लेस करेंगे तो हो जाएगा 36, ओके। तो 36 हो जाएगा लेस करने के बाद, और प्लस क्या करना है, प्लस 49 तो आपको कंपलसरी इसमें है ही, ओके। चलिए अब 36 का और इसका मल्टीप्लाई करना है ना, मत करना, क्यों नहीं करना, इसका जस्ट डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 100,
और जैसे इसका डबल करेंगे तो इसका कर देंगे हाफ, तो ये हो जाएगा 18 और प्लस 49 आपको करनी है, तो दिस इज 1849 है ना, तो 1849। देखिए यहाँ तक कि आपका ये वाला भी मेथड सही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप अब आप ये सोचोगे कि आप 100 के आसपास ले रहे हो चीजें या 50 के आसपास ले रहे हो चीजें, तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो एक्स वाई जेड, आप कोई भी नंबर ले सकते हो 100 या 50 के पास, तो उसको जाना ही है, चाहे आप जितना भी बचा लो। लाइक अगर मैं 74 की बात करूं तो 74 में मैं 16 प्लस कर दूंगा एंड 16 में इधर से लेस कर दूंगा, है ना, 26 कर दूंगा, बिकॉज 100 के पास जाना है ना, 100 के पास जाने के लिए ये। और एक चीज और बताऊं, 74 है तो इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, 24 लेस कर सकता हूँ और 24 इसमें प्लस कर दूंगा, तो ये 50 के पास पहुंच जाएगा, क्लियर हो रहा है। और 74 में क्या कर सकता हूँ मैं, इधर पे मैं प्लस सिक्स कर सकता हूँ एंड माइनस सिक्स कर सकता हूँ, तो 80 के पास पहुंच जाएगा। और क्या कर सकता हूँ, 74 में माइनस फोर कर सकता हूँ, प्लस फोर कर सकता हूँ, देयर इज अ लॉट ऑफ वे, आपको जो करना है वो करिए, लेकिन सबसे ज्यादा मैं रिकमेंड किसके करूंगा, या तो आप 100 बनाइए या 50 बनाइए। ओके, सो 100 बनाने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या समझते हैं उसको, कि 100 कैसे बनेगा। तो जैसे ही 74 में 26 देंगे तो 100 हो गया, और इंटू करेंगे इसका लेस करके, और जैसे ही लेस करेंगे तो 74 में से 20 लेस करते हैं तो 54 बचते हैं, और 54 में से अगर मैं 6 लेस करूंगा तो 48 बचता है। ओके, तो ये कंडीशन आपके सामने निकल के आ गई, और प्लस आपको क्या करना है, 26 का स्क्वायर। अब याद होगा तो लिख लोगे, और नहीं होगा तो प्रॉब्लम। तो 26 का स्क्वायर होता है 676, तो आपको आई थिंक 30 तक तो याद होंगे ही ना, और नहीं होंगे तो उसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है, अगर ये कंडीशन आपको उधर पे लगाना है तो, क्लियर है। और नहीं तो फिर एक तरीका और क्या है, 1 2 3 4 तो मैंने बताई दी, और 74 का एक तरीका कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले इससे करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4800, ओके, और प्लस का 676 इसमें ऐड होना है, तो 6 जैसे ही मैं 8 में देता हूँ तो मेरे पास लास्ट डेट 4 आती है, तो आगे कैरी हो जाएगी, वो 5 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 76, क्लियर है। तो ये हो रहा है इससे आंसर, और इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। देखिए 7 स्क्वायर होता है 49, 7 4 28 होते हैं, 28 का डबल होता है 56, ये आपको बिल्कुल टिप पे याद होना चाहिए कि इसका डबल कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, ओके, तो लास्ट में मैं 6 लिखूंगा, इन दोनों को प्लस करूंगा तो 7 और 5 इधर पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 54। देखिए ये इजी है या इजी है, आप खुद कंपेयर कर सकते हो, सारी चीजें आपके सामने है, क्लियर है। चलिए अगर बात करते हैं 50 वाली की कहानी की, तो मैं 50 से बना के भी कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें से इसे लेस करेंगे तो 50 बचेगा, और इसको अगर मैं प्लस कर दूंगा तो 4 और 4 8 हो जाएगा, एंड देन ये आपका 9 हो जाएगा, क्लियर है। और प्लस में आपको क्या करना पड़ेगा, 24 का स्क्वायर जो कि 576 होता है, ठीक। अब 100 से मल्टीप्लाई मत करना, मतलब 50 से मल्टीप्लाई मत करना, इसका डबल करना, तो 100 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। अब इसको पूरा प्लस कर देंगे तो 4900, और 4900 में 576 अगर प्लस कर देंगे तो 5476। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वे, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इधर बहुत सारे वे होते हैं स्क्वायर निकालने के, लेकिन आपको कौन सा अडॉप्ट करना है आपको वो समझना होगा। तो सेकंड डिजिट में आपको खुद मैंने देखो फील करा के बता दिया कि सेकंड डिजिट में जब भी डबल डिजिट का यानी 2 डिजिट्स के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसको करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर और बता दूं मैं आपको, जैसे मान के चलो 56 का स्क्वायर है, तो देखो फर्स्ट वाले मेथड से बताएंगे, क्योंकि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि फर्स्ट वाले से करेंगे जब भी डबल डिजिट का है, तो कैसे करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे ना, तो 25 हो जाएगा, इसका डबल करेंगे तो 30 और ये 60 हो जाएगा, फिर इसका डबल करेंगे तो 36 हो जाएगा, ये 33 और ये 31, खत्म कहानी, ये हो गया आंसर आपका। तो इतने तेजी से आप कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस है। लाइक अगर मैं एक नंबर और ले लूँ आपके सामने, जैसे मान के चलो 69 का स्क्वायर, आपको बहुत तेजी से करना है तो क्या करोगे, 36 करोगे, 9 6 54 108 करोगे, एंड देन 9 का स्क्वायर कितना, 81 होता है, तो 1 लिखोगे, ये 16 कर दोगे, 11 हो जाएगा, 11 इसमें दे देंगे तो ये 46 हो जाएगा, खत्म हो गई कहानी। तो इतनी तेजी से आपको करना है, ठीक है, 11 दोगे तो 47, बस ये गलती होती है बस, अदरवाइज आपकी कोई गलती नहीं होती, क्लियर हो गया। तो 4761 आपका पर्टिकुलर इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको तेजी से कर सकते हो कब, जब आप इस वाले मेथड यानी फर्स्ट मेथड का यूज करते हो। गई कहानी खत्म, तो 2 डिजिट्स की आपकी कहानी खत्म, यानी 1 से लेके 100 तक तो आपने सीख ली है, 1 से लेके 100 तक आप किसी का भी निकाल सकते हो। लाइकवाइज अगर मैं 99 की बात करूं तो 99 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 99 81 का डबल कितना होता है, 162 होता है, और 9 का स्क्वायर फिर से 81 होता है, तो ये तो 1 आ जाएगा, है ना, तो ये 8 और 2 10 हो जाएगा, तो ये 17 हो जाएगा, और 17 इसमें जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 and 9, खत्म कहानी, इसका आंसर यही हो जाएगा आपका, ठीक है। सेकंड वे से भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको करना ही नहीं है, आपको तो फर्स्ट वे को अडॉप्ट करना है, पूरे निकाल सकते हो 1 से लेकर 100 तक की कहानी, तो मैंने आपकी सॉल्व कर दी, क्लियर हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं कि 3 डिजिट्स की अगर कंडीशन आती है तो 3 डिजिट्स में आपको क्या करना होगा। तो पहला 3 डिजिट का जैसे नंबर मैंने उठा के रख लिया कि कोई भी मैं ले सकता हूँ, रेंडमली आप कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन मैं इधर पे जैसे मान के चलो आपके सामने ले लिया 216 का स्क्वायर, ओके। देखो इसमें भी फर्स्ट वे एंड सेकंड वे दोनों वे से मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट वे आपका कौन सा रहेगा, वही रूम वाला जिसमें मैं 3 रूम बनाऊंगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ओके। सो कंडीशन समझना है इसमें, एक्चुअली मैं रुक चाहिए, ओके।
सो इधर भी मैं थ्री रूम बनाऊंगा आपके सामने, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया एंड थर्ड ये वाला हो गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें डिजिट्स को टू डिजिट्स बना लूंगा मैं, इसको 21 पढ़ लूंगा और इसको क्या पढ़ लूंगा, इसको 6 पढ़ लूंगा, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 414, याद होना चाहिए ना, 30 तक तो मैंने बताया कि आपको याद होना चाहिए, 21 6 का कितना होता है 126, 126 का डबल कितना होता है 126 का डबल आना चाहिए, है ना। अगर वो डबल नहीं आप कर पाए तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आपने 21 6 तो कर लिया बट उसका डबल नहीं किया, क्योंकि अगर आपने यही लिख दिया ना तो आपका आंसर गलत। तो 21 इसका डबल कितना होता है, 100 का डबल होता है 226 का डबल 52, तो 252 लास्ट में क्या आएगा आपका 36, तो 6 का 6 उतारेंगे इन दोनों को देंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 25 पूरा एग्जैक्टली इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 and 6 and 4, तो ये पर्टिकुलर आपका आंसर हो गया ना इसका। लेकिन इसका सेकंड मेथड क्या कहता है, 216 का अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा तो इसमें क्या करूंगा, -16 करूंगा एंड देन +16 करूंगा, ओके। सो -16 जैसे किया तो 200 हो गया और +16 जैसे किया तो ये 232 हो गया, और प्लस क्या करना है इसमें 256 प्लस करना है, बिकॉज 16 का स्क्वायर तो प्लस आपको करना ही है, मैं यही तो बताता आ रहा हूँ आपको। तो इसका देखो टू टाइम कितना होता है 464 00 और प्लस आपको 256 करना है, तो 200 इसमें दे देंगे तो कितना हो जाएगा 66656, ओके। सो आप इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, इधर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जस्ट आपको थोड़े स्क्वायर तो याद होना चाहिए और वो स्क्वायर होते हैं 30 तक, ओके। तो 30 तक अगर आप कर लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइकवाइज अगर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताऊं, जैसे मान के चलो अब एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया इधर पे, जैसे 388 का स्क्वायर, ओके, तो इसमें आपका फर्स्ट मेथड काम नहीं करेगा। देखिए मैंने आपको रिकमेंड भी नहीं किया कि थ्री डिजिट में आप कभी भी फर्स्ट मेथड लगाओ, मैंने बताया था टू डिजिट्स के लिए कि आप हमेशा फर्स्ट मेथड पे जाएंगे, लेकिन थ्री डिजिट में इधर फर्स्ट मेथड काम नहीं करेगा, बिकॉज आपको 38 का स्क्वायर लर्न नहीं है, है ना। आप 8 का कर सकते हो, उसको डबल डिजिट बना के आपको 38 का तो लर्न है नहीं, आपको 8 का लर्न है तो उससे काम चलेगा नहीं। या तो आप क्या करोगे, आप इसमें आपको सेकंड मेथड लगाना पड़ेगा, सेकंड मेथड क्या कहता है हमसे कि 388 है ना, इसके आसपास कोई भी 100 वाला नंबर बना लो, तो इसके आसपास कौन सा 100 वाला नंबर है, दिस इज 400, तो 400 के लिए क्या करना होगा हमको, 12 प्लस करेंगे एंड 12 माइनस करेंगे, ओके। सो 12 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 400, और 12 जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो पीछे तो 76 बच रहा है और आगे कितना बचेगा 376, तो आपके सामने एक्जैक्टली ऐसा कुछ नंबर आएगा। और प्लस में आपको 144 तो करना ही है, बिकॉज 12 का स्क्वायर तो आपको करना ही है, जो आप प्लस माइनस करते हो ना उसका स्क्वायर तो आपको प्लस लास्ट में करना ही होता है, ओके। चाहे आप ऊपर प्लस करो चाहे माइनस करो, जिस चीज से आप कर रहे हो ना उसका स्क्वायर आपको इधर पे लास्ट में प्लस करना होगा, ठीक है। तो ये एडिशनल होता है आपका। तो आप देखो ये दोनों जीरो तो थोड़ी देर के लिए आप भूल जाना, जैसे इसका हमें 4 टाइम करना है, तो देखो 300 का 4 टाइम कितना होता है, दिस इज 1200, ओके। और 70 का 4 टाइम कितना होता है, एग्जैक्टली सिर्फ 70 का 4 टाइम पूछ रहा हूं मैं, तो 70 का 4 टाइम होता है 28, ओके। 70 का 4 टाइम कितना होता है 28, 7 का 4 टाइम 28, तो 70 का कितना हो जाएगा 280। अब 280 इसमें दोगे तो 480 नहीं हो जाएगा, जस्ट आपको ऐसे ही तो करना है, ओके। और 6 का 4 टाइम कितना होता है, 6 का 4 टाइम 20 और 24, तो 24 इसमें दूंगा तो लास्ट में 4 आएगा, इधर 0 आएगा, इधर पे 1 हो जाएगा और इधर पे 1। अब ये दो जीरो तो मैंने लिए नहीं थे, इनको ले लेता हूँ, इसमें 144 और प्लस कर लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 144 प्लस करने पे 150544, ये पर्टिकुलर आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम हुई क्या इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस मेथड को बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन उसके लिए आपके ये मल्टीप्लिकेशन करने की जो स्किल्स है ना ये आपकी डेवलप होना चाहिए, अगर इसमें आप कहीं फंस जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ थ्री डिजिट्स के रिगार्डिंग, अगर मैं इसको बताऊँ, जिसमें आप फर्स्ट वाला मेथड लगा सकते हो एज वेल एज सेकंड वाला भी लगा सकते हो। लाइक हमारे पास नंबर है कोई सा 137 का स्क्वायर करना है, तो इसको मैं डबल डिजिट बना सकता हूँ, बिकॉज आई हैव द नॉलेज ऑफ 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर के बारे में मुझे सब कुछ पता है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, बीच में क्या करूंगा इन दोनों को मल्टीप्लाई, कितना होता है 13 7 91 का डबल होता है 182, ओके। तो दिस इज 182 है ना, और इधर पे कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, तो लास्ट वाली संख्या ऐसी उतारेंगे इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6, और ये 18 इधर पे जाएगा ना, तो 18 इधर पे जाएगा तो दिस इज 17, तो कैरी 1 और चढ़ाएगा तो 1678 हो जाएगा ये, एंड देन आपका 1, तो आपका पर्टिकुलर आंसर ये आ जाएगा। लेकिन अगर आप सेकंड मेथड से इसको यूज करते हो तो वो भी आपका सही हो जाएगा। इसके आसपास आप कौन सा नंबर ढूंढोगे, इसको आप 120 बना सकते हो, आप इसको 150 बना सकते हो। 150 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें दोनों में ऊपर नीचे प्लस 13 करना पड़ेगा, तो कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 13 का तो स्क्वायर हमें आता है ऊपर 13, मतलब 13 प्लस 13 माइनस, यानी एग्जैक्टली लास्ट में 169 तो प्लस होना ही होना है, ठीक है। अब 13 जब मैं इसमें प्लस कर रहा हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 150, और 13 जब मैं इसमें से लेस करूंगा तो कितना आ जाएगा लास्ट में 4, एंड देन मेरे पास 2 आएगा एंड देन 4 आएगा 1 आएगा। इसमें इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है, कभी भी नहीं करेंगे, जस्ट इसका करेंगे 2 टाइम, इसका करेंगे 2 से हाफ यानी 2 से डिवाइड, 2 टाइम करेंगे तो 300 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 62 हो जाएगा और 169, तो आपका इसमें एग्जैक्टली प्लस होना ही है होना।
ठीक है। तो अब क्या करना है, अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 0 भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 जा हो जाएगा 180 और 3 2 जा हो जाएगा 6, तो यानी 186 और 2 0 जो भूल लेते हैं हम, और इसमें 169 तो और ऐड करना है ना अभी, तो ये कितना हो जाएगा 18769, एग्जैक्टली वही चीज हो रही है जो चीज हमने इधर पे निकाली थी 18769। ओके, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कंडीशन कैसे निकलती है, क्लियर है। अब 2-3 क्वेश्चन में और आपके सामने लाता हूँ। लाइकवाइज अगर मैंने क्वेश्चन ले लिया, एग्जैक्टली मैं इसको रफ कर लूँ पहले, हाँ 748। अब इसको मैं क्या बनाऊँ, मैं इसको क्या बना सकता हूँ, मैं किसके पास इसको बना सकता हूँ एग्जैक्टली। आप फर्स्ट वाला मेथड इसमें यूज मत करना, बिकॉज हमको 74 का एग्जैक्टली क्या स्क्वायर नहीं आता है ना, तो हम इसको 750 बना लेंगे। 750 बनाने के लिए इसको क्या करना है एग्जैक्टली, आपको प्लस 2 करना है और माइनस 2 करना है, यानी कि 2 का स्क्वायर तो यानी कि 4 तो इसमें प्लस होना ही होना है ना किसी भी कंडीशन में। तो जैसे ही हमने इसमें प्लस 2 किया तो 750 इंटू, जैसे ही माइनस किया तो 746 हो गया, और प्लस का 4 हमको इसमें करना ही है, क्लियर है। तो देखो इसका 750 में मल्टीप्लाई मत करना, जस्ट इसका डबल करना है, इसको हाफ करना है, इसका डबल करेंगे तो देखो डबल ही क्यों कर रहा हूँ मैं, 4 टाइम भी कर सकता हूँ इसको, 4 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम करने पे 3000 हो जाएगा, मुझे और छोटा नंबर मिल जाएगा, सिर्फ मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन आप ये भी तो देखो कि ये 4 से कट रहा है कि नहीं, अगर आप जितना टाइम इसको करते हो उससे इधर पे डिवाइड भी करना होता है। ओके, अगर लाइकवाइज इधर पे 8 दिया होता तो मैं इसको 4 से बिल्कुल कर देता और इसको 4 से डिवाइड कर देता, क्योंकि वो हो जाता, इसके बाद में एग्जांपल बता दूंगा उसको। तो इसको 2 टाइम करेंगे तो ये 1500 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड कैसे करना है, देखो 46 का हाफ होता है 23 एंड 700 का हाफ कितना होता है 350, तो ये बचेगा कितना मेरा 373। ओके, तो इधर पे कितना बचा, 373 बचा, प्लस में 4 तो होना ही है, ये 0 भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, जस्ट इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 3 कितने हो जाएंगे 4500। ओके, और फिर इसके बाद 15 7 कितने होते हैं 105 और 10 और, क्योंकि मैं 70 में कर रहा हूँ तो 105 और 10 और, इसको नहीं लिखते हैं इधर पे, नीचे लिखते जा रहे हैं, और 15 3 कितने होते हैं 45, तो ये आपका आएगा 95, ये आपका आएगा 5 एंड 5, और कितने 0 छोड़े थे मैंने 2 0, और 4 तो इसमें प्लस होना ही है तो 4 ये प्लस हो गया, तो आपका एग्जैक्टली आंसर कितना आएगा 55 95 04। ओके, सो ये कंडीशन इसकी इधर पे बन के आ गई, क्लियर हो गया है। अब देखो एक कंडीशन और बताता हूँ, अब लाइक वाइज अगर इधर पे मैंने ले लिया होता 746 ले लिया होता, तो आप क्या करते इधर पे 3 प्लस करते 3 माइनस करते, है ना, 3 प्लस अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा ये दिस, एंड 3 माइनस करोगे तो दिस। ओके, सो पूरी कंडीशन यही की यही आएगी ना, कोई कंडीशन इधर पे नहीं बदलेगी, बट मुझे एक ऐसी संख्या लाना है जिसमें ऑड आ जाए, तो मैं इधर पे क्या मान लेता हूँ 747, तो आप क्या करो इधर पे एग्जैक्टली 4 करना था, हाँ ये हो जाता आपका, ये 4 करना था आपको, चलिए कोई नहीं, इधर पे मैं 3 प्लस करूंगा एंड देन 3 माइनस करूंगा, तो इधर पे कितना आ जाएगा मेरा, मैं 747 का स्क्वायर निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इधर पे कितना आ जाएगा, मैं प्लस करता हूँ जब, तो 750 हो जाएगा, और लास्ट में देखो प्लस 9 तो होना ही होना है, बिकॉज 3 का स्क्वायर तो कर रही है, इनटू में क्या आ जाएगा, इसमें से 3 लेस होगा, यानी 744 ये लेस हो जाएगा मेरे पास, क्लियर हो गया, 3 प्लस किया तो ये और 3 माइनस किया तो ये। अब जस्ट देखिए क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड, इसको 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जैसा हमने इधर किया था, ऐसा नहीं करेंगे इधर पे और कुछ सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं कि इसको 4 से अगर मैं करता हूँ ना तो मेरे पास 15 से भी कम नंबर आता है, और वो क्या आता है 3000, जब मैंने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया, जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से डिवाइड भी करेंगे, और 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 72 कटता है 18 टाइम, बचेगा 2 और ये कटेगा 6 टाइम, क्लियरली समझ में आया होगा आपको मैंने कैसे किया। देखिए रफ में 4 से देखो मुझे मल्टीप्लाई याद है, अगर 77 होता ना तो मैं इसको 19 टाइम काटता, बिकॉज 19 4 जा मुझे पता है कि 76 होते हैं, लेकिन इधर पे 72 कट जाएगा कितने टाइम आपका 4 टाइम, है ना, 72 कटेगा 4 टाइम कितने से 18 से, 18 4 से 72 होते हैं, तो ये 18 कट गया, बचेगा 2 और ये 4 से कट जाएगा कितने बार 6 टाइम, तो बचेगा कितना 186। ओके, और प्लस का 9 आपका होना ही होना है, तो इसका जस्ट 3 टाइम करना है, ये 3 0 भूल जाते हैं लास्ट में लगाएंगे, तो 18 3 कितने होते हैं 54 10 और 3 6 कितने हो जाएंगे 18। ओके, तो ये 8 हो गया, ये 5 हो गया एंड देन ये 5 हो गया, कितने 0 लगाना है 1 2 3 और ये 9 भी प्लस करना है, तो ये आपका पर्टिकुलर आंसर आएगा किसका 747 का, क्लियर हो गया। तो ये पूरी कंडीशन है इसमें और कुछ आपको नहीं करना है, बस यही चीजें आपको सीखने की थी कि फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, जितने भी इधर पे वेरियस टाइप ऑफ मेथड थे मैंने सब डिस्कस कर दिए, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। टू डिजिट्स का जब भी आता है, टू डिजिट्स के लिए आपको क्या करना है, जस्ट वो फर्स्ट मेथड जो मैंने बताया था रूम वाला, 3 रूम बनाना है आपको। ओके, और थर्ड वाले के लिए क्या करना है, जब 3 डिजिट की आती है तो आपको ये करना है। अब लाइक अब मैं देखो 1 से 1000 तो कहानी हो गई ना, अब कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैं आपको बता दूं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं इधर पे लिख के बता देता हूं आपको कि आपको करना कौन कौन से। आप 647 का स्क्वायर कर देना, 889 का स्क्वायर कर देना, ओके,
847 का स्क्वायर कर देना। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, चौथा मैं लिख दूं इधर पे, आप कर देना 568 का स्क्वायर। ओके, तो ये चार क्वेश्चन है, आप चारों के 1, 2, 3, 4 करके आंसर लिख देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर आपको समझ में आई है ये सारी चीजें। तो लाइक भी करना अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, एंड साथ ही साथ आप इसमें जितने भी आपके व्यूज हैं आप उसको बताइए कि आपको इसमें क्या क्या चीजें अच्छी लगी, क्या क्या चीजें नहीं थी और क्या क्या चीजें सीखने को मिला है। ठीक है, तो थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।